नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि आदिकाल का नामकरण, यानी जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक मत दिए हैं। आदिकाल का नाम अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, तो आज हम नामकरण बताएंगे, अकल काल विभाजन बताएंगे। तो आज है नामकरण, आदिकाल का टॉपिक लिए हैं आदिकाल का नामकरण, यानी आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किन किन नाम से पुकारा है और नाम दिया है। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य राम चंद्र शुक्ल जी, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक ढंग से लिखा हुआ है, यही जो भी जो इनका इतिहास ग्रंथ है प्रामाणिक माना जाता है। इन्होंने वीर गाथा नाम दिया है, वीर गाथा काल कहा है। फिर महाबिभीषण द्विवेदी आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, यह कहते हैं यह बीज वपन काल है, बीज वपन, बीज वपन काल कहते हैं। राहुल संकृतायन आते हैं, एक कहते हैं सिद्ध सामंत काल है, सिद्ध सामंत काल। राम कुमार वर्मा आते हैं, इसे संध्य काल नाम देते हैं। संधि एवं चारण काल कहते हैं। फिर आते हैं श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि यह वीर गाथा युग है, वीर गाथा युग है। मोहन अवस्थी आते हैं, मोहन अवस्थी इसे आधार काल कहते हैं। सुमन राजे हैं, जो भी आधार काल कहते हैं। कपिल कुल श्रेष्ठ यह अंधकार काल कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा है, यह अपभ्रंश काल कहते हैं।